ऋषिकेश में है क्या भी बोलते तृप्ति दिमरी पर आएगी मुसीबत जब मैदान में उतरेगी दो जबरदस्त एक्ट्रेस उनके खिलाफ। क्या तृप्ति बचा पाएंगी अपना सिंहासन और करेंगी फैंस को एंटरटेन या बाकी दो एक्ट्रेस ले जाएंगी उनकी बाजी अपने साथ। थैंक यू फॉर कमिंग में आखिरी बार नजर आए शहनाज गिल को तृप्ति दिमरी और राजकुमार राव की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में एक स्पेशल नंबर के लिए लाया गया है। वो 2003 में आई चमेली के सजना वे सजना के रिक्रिएटेड वर्जन पर डांस करेंगे। डांसर और सिंगर शहनाज ने कुछ दिन पहले ही इस गाने की शूटिंग पूरी की है। निर्देशक राज शांडले कहते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जिसने रिक्रिएटेड वर्जन में ताजगी लाने के लिए ज्यादा स्पेशल नंबर्स नहीं किए हों और शहनाज ने इसके पूरा न्याय किया। राजकुमार भी इसमें एक कैमियो यानी थोड़ी देर के लिए गाने में नजर आएंगे। राज हमेशा से पारिवारिक ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं और शहनाज इस गाने के लिए एकदम सही ऑप्शन थी क्योंकि ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। वे प्यारी और खूबसूरत हैं जो इस गाने में बहुत जरूरी आकर्षक जोड़ती है। फिल्म में है फेमस गानों के कुछ और रिक्रिएटेड वर्जन शामिल किए जाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि शहनाज की प्रेजेंस कहीं तृप्ति दिमरी की पॉपुलैरिटी तो नहीं खा जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शहनाज कहां पूरी फिल्म में है, उनका बस एक स्पेशल नंबर ही है, उसके बाद वो फिल्म में नहीं दिखेंगी। हाँ, पर इससे फिल्म को एक फायदा जरूर होगा क्योंकि इससे फिल्म को ऑडियंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि शहनाज के फैंस इस फिल्म से जुड़ जाएंगे, तो इससे बॉक्स ऑफिस पर भी फायदा होगा। वहीं फिल्म में एक और ऐसी एक्ट्रेस है जो आफ्टर लॉन्ग टाइम सिनेमा में वापसी कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलिका शरावत की। मजेदार बात तो यह है कि वह अपनी हॉटनेस के साथ कॉमेडी का तड़का भी लगा रही है। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग का एक वीडियो सामने आया जिसमें डायरेक्टर राज शांडले बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से मलिका को लंबे वक्त के बाद पर्दे पर पेश करने का विचार बनाया। वहीं मलिका के नाम पर यहां प्रोड्यूसर्स भूषण कुमार और विपुल शाह उनकी टांग भी खींचते हुए दिखे। विपुल शाह का कहना है कि मलिका को कास्ट करने का आइडिया पूरी तरह से राज शांडले का ही था। इसके बाद भूषण कुमार ने कहा कि इस बारे में राज ही बताएंगे। फिर विपुल शाह उन्हें कहते हैं राज की फैंटेसी। इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। हालांकि राज शांडले ने बात पूरी करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मलिका को कास्ट करने का फैसला स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए लिया गया। राज शांडले ने आगे कहा, मलिका वो हैं जो इसलिए लिए जा रही हैं ताकि और अमेजिंग तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके और मलिका को वो इसलिए लेकर आए क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हीं ने लिखी गई थी। ये रोल 90 के दशक की एक मॉडर्न महिला का है और मलिका इस किरदार में पूरी तरह से फिट बैठती है। इसी को देखते हुए उन्होंने मलिका को कास्ट किया। इसके अलावा उनका मलिका के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। विकी विद्या का वो वाला वीडियो में राजकुमार राव, तृप्ति दिमरी, मलिका शरावत के साथ विजय राज, अर्चना पूरन सिंह, राकेश बेदी, मुकेश तिवारी और टीकू तलसानिया जैसे सितारे भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। सभी कलाकारों ने अपनी शानदार अभिनय से फिल्म के लिए बेसब्री से दोगुना इंतजार करवा रहे। फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग Bollygrad Studio. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 5088.